अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित बोराज तलाई में रहने वाले सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोर को स्थानीय लोगों की मदद से देर रात को पकड़ लिया गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के अनुसार बोराज के रहने वाले हिम्मत अपनी पत्नी और परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की गए थे। इसी दौरान रात को अज्ञात बदमाश उनके घर पहुंच गया और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए भागने की फिराक में था, जिसे गांव वालों की मदद से हिम्मत के परिवार जनों ने पकड़ लिया और उसकी सूचना गंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने देर रात को ही चोर को हिरासत में ले लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए थाने के हेड कांस्टेबल रतन सिंह ने बताया कि हिम्मत की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में बीके कॉल नगर निवासी गौरी शंकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है और इसके अन्य मामलों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। जी सर, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? दिनांक 18/7/22 को हिम्मत कुड़िया निवासी बोरा तलाई के पास ने पुलिस थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने और मैं मेरी पत्नी ने जब घर से बाहर निकले थे तब ताला लगाकर निकले थे। जब वापस आए तो अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़ने पर हमने देखा तो एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता दिखाई दिया, जिसको ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया और उस व्यक्ति का नाम गौरी शंकर सन ऑफ गोपाल जोशी, जो कि आर के पुरम बी के कोल में रहने वाला था, जिस पर पुलिस थाना गंज पर मुकदमा नंबर 257/257/22 अंतर्गत धारा 457, 380, 511 में मुकदमा कायम कर अनुसंधान श्री लाल सिंह हेड कांस्टेबल के पास सिर्फ प्रयास किया था। जब तक घर वाले परिजन आ गए थे तो उसके बाद अनुसंधान और अग्रिम जांच जारी है। पूर्व में भी कोई है क्या इसके खिलाफ मुकदमा? वो अभी जांच की जा रही है, अभी जाँच शेष है। ठीक है, आपका नाम? रतन सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस थाना।